अरे हिराबो तुम लोग कॉलेज नहीं गए क्या? कॉलेज क्या मालिक, आज हम एक सपना देख रहे थे। सपना देखा? हाँ मालिक। दिन में देखा कि रात में? नहीं, मरहबा चिड़ै बोला था। मैं पूछ रहा हूँ कॉलेज गया है कि नहीं गया? कॉलेज तो बाबू गए हैं, लेकिन अरुण नहीं आया। अरुण का बाबू, आज एक सपना हम देख रहा है बाबू, वो सपना हम भूलित नहीं ना। सपना देखा है? हाँ। क्या देखा है? सपना ये देखा कि हमार दहिना चूतर उलरा, हमार दहिना चूतर उलरा, तो समझो कौनो बलवार मनई मरा। हमें कभी कभी शुभ की बातें बोला कर, हमेशा शुभ ही किया करता है। हाईजन के जाए? वो कहाँ गया? वो सिमा कहाँ गया? क्यों तू भी अकेले आ रहा? अरुण कहाँ गया? ठाकुर साहब भैया नहीं ना। क्या? छोटे ठाकुर नहीं ना। क्या आपने यहाँ क्या लगा? गुजर हो गए। गुजर नहीं तो फकीर हो गए। अरे क्या हुआ उसे? हुआ ये है, छोटे ठाकुर जिस स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पे उनका एडमिशन हुआ था, वहीं पे एक बिमला नाम की लड़की पढ़ती थी। उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ किए, उसने आवाज लगा दिया। उसके दोनों भाई शंकर और श्याम आ करके उनको इतना मारा, इतना मारा, गला दबा के पेल पाल डाला। और तो कहा था बाबू यहाँ के हमें खबर नहीं दे जाते। हम भागना लेती है खबर को बताऊबे करते साथ जानता नहीं है। अरुण दादर सिंह का भाई नहीं, उसके जिगर का टुकड़ा है। हाँ बाबू यही तो मैं भी बता रहा। दादर सिंह को खबर हो गई तो दादर सिंह सारे इलाके में आग लगा देंगे। आग लगा देंगे। श्यामू, अगर उसकी लाश को हम यहाँ पे दफनाते हैं तो दादर सिंह यही सोचेगा कि जसवंत सिंह ने हमारे भाई को खत्म करा के वहां पे दफना दिया। हाँ बाबू वही बात हो गई करे, इसलिए अरुण की लाश गाड़ी पिला दो, इसी वक्त हम अम्बानगर चलेंगे। जी साहब। अमीश चलिए। बड़ा बढ़िया बात, दांव लगा लगाए पिलवाओ इनका ठकुरों ने कहा। अच्छा तो भाग न होते तो तुह राण हो जाते। का यार, अब तक हम हूँ रणापा काटे। और रणापा करते तो हम कहा करी? एक काम किन जाए, श्यामू आज पता नहीं क्यों हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है, लगता है कोई अस्तगुल है। हमारे भाई अरुण के पास फोन लगाओ, हम बात करना चाहते हैं। जसवंत सिंह रो रहा है, सर को नीचा क्यों किया, बहा रहा चलते पत्ता जसवंत सिंह बंधे न तू को।
बोल क्या हुआ, किसी का फोन कर दिया का रे? और क्या कहूं दादर तुम्हें कुछ भी दादर सिंह, मैं दोस्ती का फर्ज नहीं अदा कर सका। दादर सिंह, दोस्ती का फर्ज नहीं अदा कर सका? हाँ दादर सिंह। तू कह क्या रहा है, हमारे कमर से कुछ नहीं आ रहा है। दादर सिंह, अरुण इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? हाँ दादर सिंह। क्या बोला? अरुण क्या बोला? अरुण इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा है अरुण? अरुण बोल बोल, जय महाकाल अरुण, बोल बोल मुन्ना, बोल बोल। देख देख, तेरा भाई दादर सिंह तुझे बुला रहा है। बोल मुन्ना, अरुण अरुण दादर सिंह, ऐसे तू रो रहा है जैसे कोई स्त्री अपने पति की लाश पर रोती हो। तेरा भाई होता, तेरा भाई होता तो खुशी की सहनाइयां बटवाता, मरने पे दान बटवाता। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर स्त्री अपने भाई के लाश पे आंसू बहाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दादर सिंह, दादर सिंह को अपने भाई के दम पे दादर सिंह को दादर सिंह को अपने भाई के दम ये समझो कि ये है ना भाई मेरा खुल जाएगा, फिर तो बदला चुकाना है मुझे। अपने भाई का गम भूल जाऊं? हाँ दादर सिंह, अगर तुम्हारे आंखों से आंसू गिरेंगे तो बदला चुकाना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा। भूल जाऊं कैसे भाई के मरने कदम, कैसे बदला चुकाने को मिल जाएगा। बात आई समझ तेरी मेरे नहीं, भेद कैसा तू हमको बतलाएगा। दादर सिंह, तुम्हारे भाई को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, श्यामू और शंकर है। दादर सिंह, उसकी एक बहन थी जिसका नाम विमला था,
और उस श्यामू के बहन के ऊपर तुम्हारा भाई आशिक हो गया था, उसके साथ छेड़छाड़ी किया और उसके बाद आवाज लगाया और उसके भाई शंकर और श्यामू आए, इसका गला दबा के खर्च गया। इसलिए तुम अगर अपने भाई का बदला चुकाना चाहते हो तो जैसा मैं कहूंगा वैसा आप करेंगे, उसके बाद आसानी से अपने भाई का बदला चुका लेंगे। करोगे? बोल। बिमला के लिए तुम्हारे भाई का खत्म हुआ, उसे बिमला के साथ तो अपनी शादी बचाओगे। तेरे कहने का मतलब कि अपने भाई का पतला चुकाने के लिए हम षड्यंत्र रचे, फितरत की चाल चले। जैस बिमला को तुम्हारा भाई नहीं अपना सका, उसे बिमला के साथ तुम अपनी शादी बचाओगे। वैसे भी जसवंत नगर में तुम्हें कोई जानता भी नहीं है, केवल हमारे सिवा। तो बताया है तू जसवंत, हम उस लड़की के साथ शादी करेंगे, उस लड़की के साथ शादी करेंगे। लेकिन दादर से वहां जाने से पहले इतना याद रखना, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए और सुनीता को शक नहीं होना चाहिए कि दादर सिंह कौन है, कहां से आता है और किसका भाई है। जसवंत, अपने भाई का बदला चुकाने के लिए हम ऐसी फितरत की चाल चलेंगे कि संसार में कोई अम्मा का लाल नहीं है, कोई अम्मा ऐसा लाल नहीं जन्मा जो दादा सिंह के फितरत को समझ सके। तो ठीक है दादा सिंह, हमारे भाई की लाश को दफन नहीं करना जब तक हम शादी पक्की करके वापस ना आए। हमारे भाई की लाश को दफन नहीं करना। जाओ दादा सिंह, शादी पक्की करके, शादी पक्की करके आओ, उसके बाद अरुण का बदला कैसे चुकाते हैं हम तुम्हें बताएंगे। बोल जय महाकाल। जय महाकाल। नमो शम। क्या करना है बाबू? अरुण की लाश उठाओ। हाँ। और बगीचे में लेकर चलो, इसका आप क्रिया कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक ले आओ। अभी काली सी वापस नहीं है और श्यामे के पास काम भी गए, अभी उन्होंने वापस नहीं है। अपनी देर
अब तो हमने देखा बेटवा। बोलो जय महाकाल माई। जय महाकाल माई। हमें पहचानती हैं आप? नहीं बेटवा, हम नहीं पहचाने। कहाँ पहचानती होगी, जब कभी देखा हो ना तब देखा नहीं है। नहीं बेटवा। माई हम अंबानगर के रहने वाले हैं। अंबानगर की? छोटा सा जमींदार हूँ, मेरा नाम दादर सिंह है। भाई हम किस लिए आए हैं, पहले आप तिरवाचा दें कि जो कुछ हम कहेंगे आप ना नहीं करेंगे। अच्छा तुम क्या कहना चाहती हो? तिरवाचा दे रही हो ना? दे रही हो ना? हाँ। जय महाकाल। जय महाकाल। हाँ। और आए माई तेरे अकेला मैं घर मेरे को नहीं। माई भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, शान शौकत मोटर गाड़ी बंगला नौकर चाकर, लेकिन माई हूँ अकेला मैं घर मेरे को नहीं। बेटी बिमला शादी संग करती बोलो जय महाकाल माई। बेटा हाँ माई। अरे मेरे अपने बेटों से मकबरा करेंगी कहे से?
हमरे घर में करे थे वाले हमार बड़ा बेटवा श्याम है, बिना उनके मर्जी से हम दोनों बात कह नहीं सके। हाँ बेटवा, कहाँ है तुम्हारे बेटे, बुलाओ माई। अभी बुला कर लाती हूँ, बुलाओ। हाँ मैं अभी लेकर आती तलवार ला रे, और तू ही तूने कश्यप। माँ क्या बात है माँ? माई ये साहबजादे, ये हमारा बेटवा बड़ा बेटवा श्याम है, और ये शंकर राम लक्ष्मण जैसे जोड़ी है। बेटा श्याम, श्याम और शंकर बोलो जय महाकाल, बोलो 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 जय महाकाल, जय महाकाल। तुम भी बोलो शंकर जय महाकाल। तकिया कलाम है, तकिया कलाम है, जय महाकाल। माई कुछ मशविरा करेंगी, क्या माई मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए बेटा। क्या बात है? मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ श्याम। ये अम्बा नगर के जमींदार दादर सिंह, अम्बा नगर के जमींदार। हाँ तो माँ अपने घर क्यों आए हैं? अपने घर इसलिए अपनी बेटी बिमला का हाथ मांगने आए हैं। क्या कह रही हो माँ? तुम्हारी माँ तेरी बहन वो हाथ मांगने आई। माँ कैसी बातें करती हो? अरे माँ हम लोग गरीब हैं, धरती में रह के अंबर का ख्वाब नहीं देख सकते हैं। माँ ये लोग बड़े हैं, माँ हम इनकी बराबरी कहाँ कर सकते हैं। हाँ बेटा क्यों ना शंकर। हाँ भैया इसलिए तो मैंने कह दिया है कि जब तक मैं अपनी बड़ी बेटी श्याम से नहीं पूछ लूंगी ना का जवाब नहीं दे सकती। माँ मेरी बात को समझो, हम लोग गरीब हैं, जानते हो दहेज न देने के कारण बेटी को लोग जला देते हैं, फांसी लगा देते हैं। माँ हमारे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। बस बस श्याम बस, हम सुन रहे हैं सब कुछ। बोलो जय महाकाल, बोलो माई, बोलो जय महाकाल। बेटा श्याम और शंकर और माई देखो, मैं शक्ल का काला जरूर हूँ लेकिन दिल का बड़ा उज्जवल हूँ। तुम्हारी बहन पढ़ती है जी। अचानक हम आज उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से तुम्हारी बहन कॉलेज जा रही थी। तुम्हारी बहन का अभाव आचरण देखकर हमारे मन में ये उत्सव उठा, काश ऐसी लड़की हमारे हवेली की लक्ष्मी बनकर आ जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। श्याम भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, शान शौकत मोटर गाड़ी बल्ला नौकर चाकर सब कुछ, दहेज प्रथा भी कानूनन जुर्म है। मोटे हेडिंग में लिखा होता है अखबार में कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। हमको कुछ चाहिए नहीं, केवल तुम्हारी बहन चाहिए। बेटा श्याम ऐसे रिश्ता रोज रोज घरे नहीं होते। माँ अगर तुम कहती हो तो मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है, एक न एक दिन तो बहन तुमने की शादी तो करना ही होता ना माँ। लेकिन ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक मुझे और शंकर को भी मंजूर है रिश्ता। तुम्हारी क्या रिश्ता में कल समझू? हाँ बेटा मेरी बड़ी बेटी ने हाँ कर दी।
हाँ कर दिए हो तू श्याम बेटा? तो बोलो जय महाकाल। जय महाकाल बेटा। माई किस दिन पर आता है? दिन तारीख बता दे, बता दे श्याम। माँ बारात किस दिन आवेगी अपनी जल्दी माँ? बताई दे बाबू बताई दे। तू व्यवस्था कर पाई है श्याम? इतनी जल्दी कहाँ भेजता होगे? ओ तारीख मान के चलिए, तारीख बुध और दिन 25। क्या चत्त गुड़िया पट माला डाल दियो, गुड़िया निकाल दियो माला। ये पागल है माई, दिन बुध तारीख 25 क्यों रहे? ठीक हो रहा है, शादी पक्की हो गई। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है शादी पक्की। श्याम कौन माँ? माई कोई चीज की कमी हो जाए उन्हीं संकोच हमसे कह देना। हे बेटवा, हमारे पास बिटिया बिमला के अलावा कुछ देख नहीं। माई हाँ बेटवा, हमने क्या कहा कि सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है, दिया है, दिया है। तुम्हारी बेटी की हमारी हवेली में पूजा होगी माई, पूजा पूजा होगी माई। बोलो जय महाकाल। जय महाकाल बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ श्याम। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पैर दिया है, हाथ दिया है। हाँ बेटा। शंकर ए शंकर, तू छू लिया पैर? सबसे बड़ा है माँ। हाँ बेटा, काहे बहन बिमला की शादी तो पक्की हो गई है, बाकी आगे का बंदोबस्त देखना है ना शंकर। यानी कि मुहूर्त 5 तारीख को और बारात 25 तारीख को आएगी, लेकिन बाकी का बंदोबस्त हमें और तुझे देखना है। माँ कहीं आप चिंता मत करें, सब कुछ करना हो ठीक हो जाएगा। माँ माँ और रिश्ता मेरा तेरे सब पे गया, माँ तू ही मेरे जीने की मंजिल है और तू ही मेरा किनारा है। हाँ माँ शंकर जानता है। माँ ए माँ और रिश्ता मेरा तेरे सब पे गया, मेरी मैया मैं तेरा लाला, मैं तेरा लाला।